जैसा कि आप लोगों को पता है कि जियो अपना सस्ता स्मार्टफोन लेके आ रहा है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेके आ रहा है, जो कि 4000 रुपये से भी कम में होने वाला है। और दोस्तों इसी को देखते हुए जो एयरटेल है वो भी अपना स्मार्टफोन लेके आ रहा है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेके आ रहा है, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये के लगभग प्राइस में आपको मिल जाएगा। मतलब जियो से भी सस्ते रुपए में एयरटेल अपना स्मार्टफोन लेके आ रहा है। दोस्तों हुआ क्या है, ये टेलीकॉम कंपनियां अचानक से अपने कस्टमर्स के ऊपर इतनी मेहरबान कैसे हो गई हैं? दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में पूरा, मैं आपको बताऊंगा ये जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये इतनी मेहरबान क्यों हो गई हैं अपने कस्टमर्स के ऊपर, और ये स्मार्टफोन क्यों लेके आ रही हैं इतने सस्ते रुपए में। तो चलिए बिना देर के करते वीडियो शुरू। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो कर लीजिए लाइक। तो चलिए करते वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है कि इस समय टेलीकॉम कंपनियों में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन चल रहा है। जियो है वो ये चाहता है कि पूरे मार्केट में वो कैप्चर कर ले, मतलब उसी की सिम जो लोग हैं वो इस्तेमाल करें सारे लोग। और जो एयरटेल है और वोडाफोन आइडिया जो कि बी एक कंपनियां बन चुकी है, ये अपने जो मार्केट है इसमें सर्वाइव करना चाहती है। तो इन्हें तो छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये कंपनियां इतने सस्ते में आपको एंड्रॉइड स्मार्टफोन क्यों दे रही है। दोस्तों ये एंड्रॉइड स्मार्टफोन आपके लिए इसलिए दे रही है कि 40 करोड़ यूजर्स के लिए। 40 करोड़ यूजर्स कैसे दोस्तों? 40 करोड़ यूजर्स ऐसे कि इंडिया में जो 40 करोड़ यूजर्स है वो अभी भी ऐसे हैं जो कि 2G नेटवर्क को यूज करते हैं, मतलब एक फीचर फोन यूज करते हैं, छोटा सा फोन यूज करते हैं। अब दोस्तों सारी बात नहीं है, जो जियो है वो ये चाहता है कि जो ये सारे यूजर्स है 40 करोड़ यूजर्स है जो कि 2G फोन यूज करते हैं, उनको मैं अपना सस्ता स्मार्टफोन दे दूं। सस्ता स्मार्टफोन जैसे जियो दे देगा उसके बाद क्या है कि वो लोग इस पे आ जाएंगे और वो हर महीने जो रिचार्ज कराएंगे वो जियो से करा लेंगे, अगर जियो का वो स्मार्टफोन ले लेते हैं तो इसमें जियो का पूरा बेनिफिट है, इसलिए वो सस्ते स्मार्टफोन देना चाहता है। इसी को देखते हुए जो एयरटेल है वो भी अपने सस्ते स्मार्टफोन यहाँ पे लाने जा रहा है मार्केट में, और उनकी जो प्राइस है वो जियो के स्मार्टफोन से भी कम रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो एयरटेल है उसके 28 करोड़ यूजर्स है इंडिया में पूरे टोटल, और जिनमें से 11 करोड़ यूजर्स है वो 2G नेटवर्क यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर ये जो 11 करोड़ यूजर्स है ये अगर जियो में शिफ्ट हो जाएंगे, जियो का जो सस्ता स्मार्टफोन खरीद लेंगे, तो जो एयरटेल है उसकी हालत बहुत ही खराब हो जाएगी, उसके कस्टमर्स बहुत कम हो जाएंगे और उसको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा मार्केट में। तो इसी को देखते हुए जो एयरटेल है वो क्या कर रहा है कि जियो से भी सस्ता एंड्रॉइड स्मार्टफोन लेके आ रहा है जो कि वो 2G नेटवर्क यूज करते हैं ऐसे लोगों को दे, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स अपनी तरफ ले और जो खुद के उसके कस्टमर्स हैं उनको भी वो जाने से रोके, तो इसलिए ये लेके आ रहा है। और साथ ही साथ जो वोडाफोन आइडिया है BI इनके सबसे ज़्यादा 2G नेटवर्क यूजर्स हैं, 14 करोड़ इनके पास 2G नेटवर्क यूजर्स हैं। तो अभी तो इनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन ये फ्यूचर में अपना कोई नया स्मार्टफोन लाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर इनको मार्केट में सर्वाइव करना है तो इनको तो लाना ही पड़ेगा, अगर नहीं लाएंगे तो दूसरी कंपनियों में शिफ्ट हो जाएंगे इनके 2G यूजर्स, तो इनके जो कस्टमर्स हैं वो गिर जाएंगे और इनको सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये जो टेलीकॉम कंपनियां ये आप पे इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं इस समय। दोस्तों इन टेलीकॉम कंपनियों में कंपटीशन चल रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा है कस्टमर का, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन चल रहा है तो हर कंपनी चाहती है कि वो सस्ते से सस्ती चीज़ें आपको दे, जिससे कि उसको कस्टमर मिले और इससे फायदा होगा कस्टमर का। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाते रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।